भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कहा कि वह बयानबाजी से आगे बढ़कर वास्तविक चीजों पर ध्यान दे। एकता और विविधता पर अब्दुल्ला की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए चुग ने कहा कि वह JKNC की बयानबाजी में अचानक आए बदलाव की निंदा करते हैं और इसे मात्र राजनीतिक नाटक करार दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 सितंबर को चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। विपक्ष के नेता दूर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और यहां से कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर का समर्थन करते नजर आएंगे। जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी के सिद्धांतों के विपरीत मानी जाने वाली गतिविधियों में शामिल होने के कारण अपने जम्मू कश्मीर महासचिव विवेक बाली को निलंबित करने की घोषणा की। इस निर्णय को पार्टी अध्यक्ष GM शाहीन ने औपचारिक रूप दिया, जो कि बाली द्वारा पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल व्यक्तियों की रिहाई के बारे में सार्वजनिक बयानों के बाद लिया गया, जो पार्टी के आधिकारिक रुख से बिल्कुल अलग था। पार्टी ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि पत्थरबाजों की रिहाई पर JDU की संलिप्तता या राय का सुझाव देने वाली रिपोर्टें निराधार हैं। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे हो गए। जम्मू और डोडा में दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। कुंजवानी बाईपास पर एक कार से टक्कर के बाद एक मिनी बस पलट गई, जिससे एक छात्रा सुरभि कुमारी की मौत हो गई। 6 लड़कियों सहित 8 अन्य यात्री घायल हो गए। सभी छात्र स्कूल जा रहे थे। वहीं डोडा के मलोही में एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें दंपति सवार थे। इस दौरान पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति घायल बताया जा रहा है। बीजेपी से इस्तीफों की झड़ी लगातार जारी है। सांबा से भाजपा के जिला प्रधान कश्मीरा सिंह ने दशकों बाद पार्टी के साथ काम करने के बाद पार्टी से इस्तीफा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा छोड़कर अब शेख अब्दुल्ला की विचारधारा पर चलने लगी है। उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जम्मू जिला अध्यक्ष कनव शर्मा ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वह संगठन और इसकी विचारधारा से जुड़े अपने परिवार के तीसरी पीढ़ी के सदस्य है, लेकिन जम्मू पूर्व से युद्धवीर सेठी को टिकट देने का पार्टी का फैसला उनकी अंतरात्मा को स्वीकार नहीं है। शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपने त्याग पत्र में युद्धवीर सेठी और उनकी पत्नी प्रिया सेठी पर कई आरोप लगाए। भाजपा नेता अभिषेक जसरोटिया ने कहा कि भाजपा आने वाले चुनाव के लिए तैयार है। जसरोटिया ने कहा कि भाजपा हमेशा से लोगों की सेवा में जुटी है। कोरोना काल में जब घरों से निकलने में लोग डरा करते थे, उस समय भी भाजपा कार्यकर्ता लोगों की सेवा में जुटे थे। भाजपा नेता ने कहा कि इस समय जब भाजपा ने जम्मू कश्मीर से 370 हटा के कई लोगों को उनके अधिकार लौटाए हैं, ऐसे में कांग्रेस और NC इन लोगों से अधिकार छीनने की बात कर रही है, पर लोग अब जानते हैं कि उनके हित में क्या है। श्री कृष्णचंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज पुंछ में भारतीय सेना की 9 मराठलाई और डॉक्टर रुबिया बुखारी की कोकून कलात्मकता के सहयोग से आयोजित रेशम उत्पादन और कोकून कलात्मकता पर सप्ताह भर चलने वाली कार्यशाला संपन्न हो गई। कई लोगों ने इस कार्यशाला का लाभ लिया। कोलकाता से बंगलुरु जा रही इंडिगो के एक विमान की कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक उड़ान भरने के बाद इंडिगो के विमान 6E0573 के बाएं इंजन में खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। भारत में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि देश में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का लाइव वेबसाइट पोषण प्रोजेक्ट अखनूर में आयोजित किया गया, जिसमें CDPO अखनूर गुरिंदर कौर के साथ स्टाफ सदस्य, फील्ड कार्यकर्ता और लाभार्थी शामिल हुए।